मेरा यही मैसेज है, मैं चाहता हूँ एल्विश एक बार सब आ जाओ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एली सैदो ने मैक्ट्रॉन को मारा है, क्योंकि वीडियो एक क्लिप वायरल हो रहा है जो कि वीडियो क्लिप में साफ दिख रहा है कि एली सैदो अपने 10 बंदों के साथ मैक्ट्रॉन के रूम में घुसा और उसको थप्पड़ से मारा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वीडियो को क्लिप में एली सैदो ने क्या बोला है और मैक्ट्रॉन ने क्या बोला है, क्योंकि एली सैदो के बहुत से ऐसे यूट्यूबर है जो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर, एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एलविश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एलविश यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है, सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एक साइड की स्टोरी सुन के, बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि वो एलविश ने तो ये कर दिया, वो मैक्सटन के मार दिया, एलविश तो बदमाश है, गलत आदमी है, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कॉमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का क्या, और मुझे सुनाने का भी हक है। मेरा यही मैसेज है, मैं चाहता हूँ एल्विश एक बार सब आ जाओ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। हाय एवरीवन, सबका स्वागत है। मेरे को चैट नहीं दिख रही, ये सिर्फ फॉलो फॉलोइंग दिख रही है सबकी। हाँ ठीक है, अब चैट दिखनी शुरू हो गई। हाय फरहान, हाय विशेष, हाय आयुष, तो गाइस मेरा यही मैसेज है, मैं चाहता हूँ एल्विश मेरे घर आए, हमारे बड़ों के बीच में बात करे, और जो भी बड़े बड़े लोग फैसला लेंगे वो हम देखते हैं और मैं कल बताता हूँ इसका पूरा। तो यही है कि हमारे बड़ों के बीच में बात एक बार होनी चाहिए, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एल्विश से कि वो एक बार घर आए और हमारे बड़ों के बीच में बात करे। भाई सब बोल रहे थे बैठ के कराओ कुछ सीन, तो तुम सब रील बनाओ, हम चीज नहीं पटवा देते हैं।